नमस्कार बच्चों, विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनडीए के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि एनडीए क्या है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, इस एग्ज़ाम की फ्रिक्वेंसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कंप्लीट हम देखेंगे। तो पहली बात हम करते हैं कंडक्टिंग बॉडी। तो कौन करवाता है इस एनडीए के पेपर को? यूपीएससी करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आईएएस का पेपर करवाता है वही एनडीए का पेपर करवाता है, ठीक है बच्चों। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? तो ध्यान रखना बच्चों, ट्वाइस इन ईयर, मतलब साल में 2 बार यहाँ इसका पेपर होता है। कब होता है वो नोटिफिकेशन में नीचे बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार एनडीए का पेपर होता है, ठीक है। नीचे हम बात करेंगे एग्जाम डेट इसकी क्या है। तो ध्यान रखना 2 बार आपको चांस मिलता है एनडीए का पेपर देने के लिए। अगर आपको सेना में करियर बनाना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, तो आपको ये पूरा एनडीए के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो वो है एज, मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी देखो बच्चों, दो होती है, पहला है एज और फिर है एजुकेशन। तो हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि अनमेरिड होना चाहिए, अनमेरिड मेन कैंडिडेट, ठीक है ना, मेन कैंडिडेट्स। तो अनमेरिड पहले मेन होना चाहिए, मेल होना चाहिए और अनमेरिड होना चाहिए, पहली की है। दूसरा एज का हम बात करते हैं, तो ध्यान रखना 16.5 से 19.5 साल कितना होना चाहिए, उम्र आपकी उम्र होनी चाहिए 16.5 से 19.5। और ये एज कब होनी चाहिए? जब आपका नोटिफिकेशन होता है उस समय को ये मानते हैं। जैसे मान लो कि आप ये मान के चलो नोटिफिकेशन 2 बार निकलता है, तो एक बार आपको 1 जनवरी से कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक बार आपको 1 जुलाई से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको दे देंगे, लेकिन आपको बस ध्यान क्या रखना है कि 16.5 से 19.5 साल आपका एज होना चाहिए। फिर सबसे अच्छा है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि एजुकेशन क्या हो। तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले आप 10+2 होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए आप 10+2। अब 10+2 में ध्यान रखना, यहाँ अगर आप 10+2 अगर आपको आर्मी में जाना है या आपको एयरफोर्स में जाना है या आपको नेवी में जाना है, आर्मी के लिए 10+2 होना चाहिए। इसके लिए आप चाहे आपके आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, सारे आपको यहाँ पर एलिजिबल हो। लेकिन एयरफोर्स और नेवी के लिए आपको 10+2 तो होना है, साथ में आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना आर्मी के लिए 10+2 चाहिए। इसमें आर्ट्स भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के लिए ये कंपलसरी है कि आपको 10+2 के साथ में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये मेन एलिजिबिलिटी है, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको पेपर देना है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना सबसे पहली बात इसका ये है कि एग्जाम पैटर्न है वो ऑफलाइन मोड होता है। क्या ध्यान रखना आपको? ऑफलाइन मोड है पेपर का, मोड कैसा है? ऑफलाइन, ऑफलाइन पेपर होगा। कितने घंटे का होगा? 2 पेपर होंगे, ठीक है बच्चों, 2 पेपर होंगे। जैसे अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, पेपर फर्स्ट होगा वो होगा आपका मैथमेटिक्स का, मैथ्स का, ठीक है। और इसके मार्क्स कितने क्वेश्चंस आएंगे हम बात करते हैं, क्वेश्चंस कितने आएंगे, उसके बाद में इसका मार्क्स कितना होगा, उसके बाद में बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे आपके मैथ्स में, इसके बाद में ये 300 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। दूसरा होगा आपके जनरल एबिलिटी का, जनरल एबिलिटी। तो जनरल एबिलिटी में क्या आ जाएगा इसमें बच्चों, ध्यान रखना इसमें इंग्लिश आ जाएगा आपके, इंग्लिश का पेपर होगा प्लस जीके का पेपर होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना इसमें इंग्लिश के आ जाएंगे आपके 50 क्वेश्चन और जीके के आएंगे 100 क्वेश्चन, तो टोटल कितने हो गए? 150 क्वेश्चन। मार्क्स कितने हो गए इसके? 600। तो एक कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा, 4 मार्क्स है ना ईच। और इसका ड्यूरेशन क्या आ गया? 2.5 घंटे, 2.5 घंटे इसका भी ड्यूरेशन आ गया बच्चों, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो ध्यान रखना 1/3 है,
सही। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये 600 मार्क्स का है, इसका मतलब एज कितने का हो गया, एज 4 मार्क्स का। यहाँ पर 300 मार्क्स का है तो एज कितना हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन कितने का हो गया, 2.5 मार्क्स का। बच्चों यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो दो पेपर है, टोटल कितना हो गया, 900 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है नेगेटिव मार्किंग, नीचे पता कर लेते हैं अपन। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। इसका मतलब ये हो गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये सेकेंड वाला पेपर है, अगर आप सही करते हो तो 4 नंबर है करेक्ट के, सही के, और गलत अगर करते हो, रॉन्ग करते हो, तो इसके -1.33, ठीक है? इतना तो मार्क्स कटेगा कटेगा, और ये तो है का है, मतलब ये एक्स्ट्रा कट जाएगा ये, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, इससे भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, वो है नोटिफिकेशन डेट। नोटिफिकेशन कब आता है ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर साल में 2 बार नोटिफिकेशन आता है, एक आता है जनवरी और एक आता है यहाँ पर अगस्त में। जनवरी में कब आता है बच्चों, तो ध्यान रखना जनवरी के फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक, देखो सेकेंड वीक में भी आ सकता है, लेकिन आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर आपको वेबसाइट चेक करना पड़ेगा। और अगस्त में कब आता है, तो अगस्त में ध्यान रखना यहाँ पर ये फर्स्ट वीक में आता है, अगस्त के लिए, अगस्त के फर्स्ट वीक में, और ये जनवरी के फर्स्ट वीक में। एग्जाम कब होता है, जनवरी वाला जो नोटिफिकेशन है इसका एग्जाम हो जाएगा अप्रैल में। आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस रहते हैं, और ये लास्ट वीक में पेपर हो जाएगा इसका। और अगस्त में जो नोटिफिकेशन आया है उसका नवंबर मिड में पेपर हो जाएगा, आएगा उसका नवंबर मिड में पेपर हो जाएगा, ठीक है? तो आपको एग्जाम का पता लग गया। अब देखो एग्जाम होने के बाद में क्या होगा, SSB इंटरव्यू होगा, और ये 5 SSB इंटरव्यू के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा आपको, क्या होता है SSB इंटरव्यू के बारे में, कहाँ पे होगा SSB इंटरव्यू, तो कंप्लीट लिंक दे दूंगा। फिर SSB के बाद में मेरिट बनती है, और वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के बारे में क्या होता है मेडिकल में, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसका भी लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पार्ट है, यहाँ पर मैं नहीं बढ़ाऊंगा, आपको अलग से यहाँ पे SSB और मेडिकल टेस्ट का बताऊंगा। फिर आता है यहाँ पर ट्रेनिंग, आप दोनों में पास हो जाते हो तो आपका IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में, और ये कहाँ पर है, ये है खड़गवासला में, खड़गवासला इंडियन मिलिट्री अकेडमी पुणे में आपकी ट्रेनिंग होती है, 4.5 साल की ट्रेनिंग आपकी, उसके बाद में आपको कमीशन मिल जाता है, रैंक मिल जाती है, और आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको 21,000 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलता है सैलरी, और 56,100 रुपये आपको ट्रेनिंग के बाद जब आप पोस्टेड होते हो तब मिलता है, और पहली पोस्टेड आपकी लेफ्टिनेंट में होती है, ठीक है बच्चों? और सैलरी मैंने बता दी आपको। इसके बारे में अलग से, सबके बारे में अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये कंप्लीट तभी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसको। और बहुत अच्छी सर्विस है, देखो पैसा सब कुछ नहीं है, कुछ देश के लिए करना है तो मतलब सर्व द नेशन विथ प्राइड, है ना? तो प्राउड के साथ आप देश की सेवा कर सकते हो एनडीए में।